सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स संडे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 क्वेश्चन से। और जो भी आपका स्कोर रहे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। और इसके अलावा जिसने भी अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर कर लो। उसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग BSF। BSF के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले BSF वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बोल रहे हैं कि जो BSF है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर वर्क करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो BSF है वो किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। किसके अंडर काम करती है? वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर वो काम नहीं करती है। सेकेंड, यदि BSF कैन कैरी आउट ऑपरेशन अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री इन द इंडियन स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो BSF है वो अप टू 50 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बाउंड्री इंडियन स्टेट्स की वहाँ तक ऑपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है, इन इंडिया BSF कैरीज आउट ऑपरेशन इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड असम। देखो, मेनली जो BSF है ना वो पाकिस्तान और मेनली बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। तो जो भी स्टेट्स पाकिस्तान या बांग्लादेश को सराउंड करेंगी वहाँ पे BSF मिलेगी। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो BSF है वो मेनली ऑपरेशन जो है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और असम में मेनली इसके होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या? बिल्कुल सही है। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट इसमें सही हुई? हमारी एक स्टेटमेंट रॉन्ग हुई और हमें पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी जो दो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो और देखो भाई, देखो सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये मेनली क्या है, एक बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इंडिया ने रेज कर रखी है। मेनली कहाँ, कब रेज की गई थी? मेनली जब 1965 का वार हुआ तब हमने ये जो फोर्स है इसको रेज किया इंडिया के बॉर्डर्स पे खड़ा करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई आउटब्रेक ऑफ वॉर होता है तो इसकी वेरियस एक्टिव रोल्स होते हैं, मतलब निभाने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रख लेना कि इट इज़ दी ओनली CAPF जिसमें क्या होता है, वाटर विंग, एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट, ये तीनों रेजिमेंट केवल और केवल किसमें? CAPF में है। और याद रखना ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भी BSF भी मानी जाती है और इसी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। बोल रहे हैं दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स। बिल्कुल सही बात है कि मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिख रखा है कि भाई सोशल वेलफेयर होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए और दी थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू ऑल कास्ट एंड सेक्शंस ऑफ द हिंदूज। बिल्कुल, जो भी हिंदूज के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो सभी क्लासेस के लिए हैं, जितने भी सेक्शंस हैं या जितने भी सबकास्ट बचे हुए हैं उन सब के बीच में, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे जो जो इंस्टीट्यूशन है वो। तो ये बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया किस आर्टिकल में है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, ठीक है, उसमें मेनली ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है, इन इंडिया दी मैटर रिगार्डिंग टेम्पल कंट्रोल एंड टेम्पल एंट्री आर कोडिफाइड इन अ सिंगल लॉ। तो आपको पता होगा कि टेम्पल कंट्रोल और टेम्पल एंट्री के लिए सेपरेट लॉज हैं, कोई एक सिंगल लॉ नहीं है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब टेम्पल एंट्री टेम्पल कंट्रोल पे सेम, मतलब सिंगल लॉ नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें बताने इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें पूछ रखा है किसके बारे में? ब्लू हेलमेट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कि दी ब्लू हेलमेट्स आर दी मिलिट्री पर्सनल्स ऑफ UN। सबसे पहले ब्लू हेलमेट्स क्या हैं? मिलिट्री पर्सनल्स हैं UN के, जो UN पुलिस और सिविलियन जो कलीग्स हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और पीस आ सके, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है कि ब्लू हेलमेट्स यही मिलिट्री UN के मिलिट्री पर्सनल्स को बोला जाता है जो मेनली पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, ऑल मिलिट्री पर्सनल्स अंडर ब्लू हेलमेट्स आर मेंबर्स ऑफ देयर नेशनल आर्मीज फर्स्ट हु आर सेकेंडेड टू वर्क अंडर UN कमांड। बिल्कुल, जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं ब्लू हेलमेट के अंडर, सबसे पहले तो वो जिस रिस्पेक्टिव कंट्री से आते हैं उनकी नेशनल आर्मी में होते हैं और उसके बाद सेकेंडरी उनका रोल होता है UN में, UN के अंडर काम करना। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
दैट आर वेस्टर्न कंट्रीज आउट नंबर द अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज इन कंट्रीब्यूटिंग सोल्जर्स टू ब्लू हेलमेट्स. तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो ब्लू हेलमेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स इसमें गए हुए हैं वो कहाँ से हैं, अफ्रीकन और एशियन नेशन से हैं. याद रखना वो कहाँ से हैं, अफ्रीकन और एशियन नेशन से हैं. वो वेस्टर्न कंट्रीज उनको आउट नंबर नहीं करते हैं, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज आउट नंबर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को. तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी. तो हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट. तो केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वही हमारी करेक्ट है. ठीक है, अभी आप ये वाली चीज़ देखो. एक अभी हमने यूएन पीस की इनकी बात की, पीस कीपिंग फोर्सेस की. ठीक है, तो याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग कब मनाया जाता है पता नहीं भाई क्या हो रहा है. ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है हर साल. याद रखना कब मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है. और इस साल का 2022 का थीम था पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, इंडिया वन ऑफ द मतलब मोस्ट ट्रूफ बेस्ड है. ठीक है, क्योंकि ये देखो एग्जांपल के तौर पे सबसे ज़्यादा ट्रूफ जैसे कि सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री है इंडिया की, सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री और फिफ्थ हाईएस्ट पुलिस कंट्रीब्यूटिंग, जो पुलिस कंट्रीब्यूट कर रही है मोन यूस्को मतलब जो भी ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ठीक है, ये यहाँ पे मेनली इंडिया की ही फौजें गई हुई हैं, ध्यान रखना इसको. जितनी भी गई हुई हैं ये आप फैक्ट्स आप देख लेना. ठीक है, और याद रखना अमंग ब्लू हेलमेट्स में भी ग्रेटेस्ट डेथ टोल ऑफ एनी नेशंस में भी इंडिया का नाम आता है. ठीक है, ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो इंडिया की ही होती हैं, इंडिया की पर्सनल्स की ही होती हैं. तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट. आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का कलेक्शन है. तो भाई आप ही बताओ किस किस टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है. सबके बारे में ही अभी बात हो रही है तो ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो जितने भी हैं सारी ही पाँचों मतलब जो कैटेगरीज हैं वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट. आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, ले कार्बोजियर ने किस कहाँ का डिज़ाइन बनाया था. ठीक है, मास्टर प्लान ऑफ किस सिटी का बनाया. तो ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कहाँ का बनाया था इन्होंने, चंडीगढ़ का प्लान बनाया था. कहाँ का बनाया था, चंडीगढ़ का प्लान बनाया था. तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो गया सी. आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैड द इशू ऑफ लैंग्वेज एज एन एलिमेंट. लैंग्वेज का इशू कहाँ पे था. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बंगाली नेशनल मूवमेंट. देखो भाई तो नेम ही इससे चल रहा है, बंगाली नेशनल मूवमेंट मेनली बंगाली लैंग्वेज के लिए लड़ा गया था. सेकंड है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ये भी आपको पता होगा लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुआ था. थर्ड है 6 पॉइंट मूवमेंट, ये भी आपको पता होगा. 6 पॉइंट मूवमेंट एक स्टूडेंट का मूवमेंट था 1962 में. ठीक है, 1962 में ये भी मेनली लैंग्वेज के लिए था. तो ये लगभग जो सारे हैं ये सारे किसके लिए स्टार्ट हुए थे, लैंग्वेज के ही इसमें एलिमेंट था. तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट तो सारी ही हैं. ठीक है, मतलब सारों में ही एक लैंग्वेज का इशू था. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट. फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा सी. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बैटल ऑफ रेजांगला वॉज फाउट ड्यूरिंग, मतलब बैटल ऑफ रेजांगला कब लड़ा गया था. देखो बैटल ऑफ रेजांगला लड़ा गया था जब साइनो इंडियन वॉर था 1962 का. ठीक है, 1962 का जो साइनो इंडियन वॉर था तब लड़ा गया था. अभी इसकी 2022 में मतलब इसकी 60th एनिवर्सरी भी मतलब इसकी मनाई गई थी, इसीलिए ये मेनली न्यूज़ में था. ठीक है, तो ध्यान रखना ये जब 1962 का वार हुआ तो बैटल ऑफ रेजांगला भी मेनली लड़ा गया था. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो गया बी. आ जाते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है. सबसे पहले मैत्री दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट इंडिया रिकॉग्नाइजिंग बांग्लादेश. बोल रहे हैं कि मैत्री दिवस मेनली इसलिए मनाया जाता है ताकि हम जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी जो वो है उसको रिकॉग्नाइज कर लें, कोमेमोरेट कर लें. ठीक है, सेलिब्रेट करें उनकी इंडिपेंडेंस को. तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है. सेकंड है इंडिया अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश आफ्टर द लिबरेशन. देखो इंडिया ने तो आज़ाद कराया, इसका मतलब इंडिया ने तो जो है पहले ही बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दे दी थी. तो याद रखना बांग्लादेश के बनने से 10 दिन पहले ही इंडिया ने जो है अपनी रिकॉग्निशन दे दी थी बांग्लादेश को. तो ये स्टेटमेंट रहूँगा कि हमने बांग्लादेश को बाद में रिकॉग्निशन दी है. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट है जो वो हमारी क्या है, करेक्ट है. ठीक है, एक मिनट.
देखो तो ये शायद आपको एरिया समझ में आ रहा होगा, मैंने मेन ये बताया है कहाँ के लिए, रेजांग ला के लिए, कि रेजांग ला भाई जो फेमस है वो कहाँ पे है, ठीक है, लद्दाख वाले एरिया में है, ठीक है, याद रखना इधर है, ठीक है, तिब्बत और इंडिया के बीच में जो है यहाँ पे ये पेंगोंग सो लेक है, उसके नीचे रेजांग ला आता है, ठीक है, उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट लेक भी है जिसका नाम है स्पेंगुर लेक। क्या नाम है? स्पेंगुर लेक, ठीक है। देखो स्पेंगुर जगह है, चुसुल आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस जगह है, चुसुल के नीचे ही है हमारा रेजांग ला, उसके अलावा इसके नीचे है चांगला, उसके नीचे है जाराला, ठीक है, अगर आपको याद रखने हैं ऐसे ही ये जो पासिस हैं याद किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दो पासिस आप और देख सकते हो इसके ऊपर, एक था, एक तो है लनाकला, ठीक है, एक तो है लनाकला और एक है हमारा कोंग का पास, ठीक है। तो ये जो पांच पास हैं ये आप याद कर लेना, ठीक है, एक तो कोंग का पास, एक है लनाकला, एक है रेजांगला, एक है चांगला और एक है जाराला, ठीक है। ये सारे ला कहाँ पे हैं? ये हमारे लद्दाख में, ठीक है, जारा, चांग, रेजांग, लनाक, कोंग का, ठीक है, ध्यान रखना इनको, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्टुग्यूज रूल सून आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। क्या आपको लग रहा है कि गोवा डायरेक्ट मतलब इंडिपेंडेंस होते ही इंडिया के लिबरेट हो गया था? आप सभी को पता है ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा था कब, 1961 में, कब 1961 में चलाना पड़ा था, तब यह आज़ाद हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, सून आफ्टर, तो ये रॉन्ग होगी। सेकेंड, ऑपरेशन विजय वॉज द मिलिट्री एक्शन बाई विच इंडिया लिबरेटेड टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन दीव एंड पोर्टुगीज रूल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑपरेशन विजय को चलाना पड़ा था, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया बी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है बांदुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में। बांदुंग कॉन्फ्रेंस 1955 किससे रिलेटेड है? तो याद रखना ये किससे रिलेटेड है, नैम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से ये रिलेटेड है। 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। अफ्रीकन और एशियन नेशन की मेनली ये कॉन्फ्रेंस थी, अफ्रीकन एशियन की ये कॉन्फ्रेंस थी बांदुंग कॉन्फ्रेंस। और ये बांदुंग जगह कहाँ पे है? बांदुंग जगह है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है ये बांदुंग जगह? इंडोनेशिया में, वहां पे हुई थी। और सबसे पहले मतलब जो भी कॉलोनियल टेरिटरी थी एशिया की, अफ्रीका की, वो एक साथ आई थी और उन्होंने थर्ड वर्ल्ड की जो स्पिरिट है उसको इग्नाइट किया था, ठीक है। और वहीं से मेनली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो है स्टार्टिंग हुई थी। तो इसी नोट पे जो है हमारे टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट पे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।